हमारे साथ हैं द्रास के महबूब, जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान एक पोर्टर की भूमिका निभाई थी और भारतीय सेना को ऊंचाई पे जब जो है लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय जो है भारतीय सेना को रसद जो है वो उन्होंने मुहैया कराई थी और वो लेके गए थे, ऊपर तक लेके गए थे। बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा मुश्किल टास्क था ये। आइए उनसे हम जानते हैं कि कितना मुश्किल उनको सामना करना पड़ रहा था और द्रास में थे चूँकि ये तो लड़ाई भी थी उस समय, तो कैसा उस समय जो है उन्होंने उसको जो है ये टास्क उन्होंने उसको पूरा किया। सर मैं वो तब मेरी उम्र सर 16 साल की थी, तो मेरे को मतलब मैं तब पढ़ता था तो मेरे को बोला पापा के साथ आप जाएगा, मैं मेरे पापा को भी लेके गए ऊपर, मैं घोड़े लेके, तो हम ऊपर राशन अमिनेशन ये सारी चीज़ें लेके गए ऊपर और वहाँ पे ज़्यादा हेवी फायर हो गई तो मैं वहाँ पे एक हफ्ता वहीं पे फंसा रहा। तो 7 दिन मेरे लिए तो चढ़ना ही एक लड़ाई थी क्योंकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा छोटी थी, 16 साल पे मैं पहाड़ी चढ़ रहा था, घोड़े लेके अमिनेशन पहुँचाया तो ये कंट्रीब्यूट किया था मैंने उस टाइम पे। बहुत दिक्कतें थी, 7-15 दिन में ऊपर फंसा रहा तब जाके मैं नीचे आया। तो आपने कहाँ कहाँ आप लेके गए थे उस समय रसद जो है राशन वगैरह? सर मैं तोलोलिंग पे था, तोलोलिंग पे ही रह गया मैं, बाकी आगे पीछे नहीं गया, मैं तोलोलिंग पे था तब। यहाँ पे 13 जैक अभी जो यहाँ द्रास भी है उन्हीं के साथ था मैं उस समय। द्रास में शेलिंग उस समय होती थी, पाकिस्तानी जो है गोले उस समय बरसाते थे, तो उस समय आप उस समय कैसे उस समय जो है उसको मैनेज करते थे, कितना मुश्किल होता था उस टाइम? बहुत ज़्यादा मुश्किल था यहाँ पे, मतलब कुछ गिने चुने लोग थे, बाकी तो सारे मतलब मैं घर छोड़ के भाग गए थे, तो बहुत मुश्किल होता था हमें रहने के लिए छुपने के लिए। अब मैं तो ऊपर ही रह गया तो यहाँ पे तो कोई था नहीं, मतलब जो यहाँ पे थे उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, बैंकर्स नहीं थे, मकान मतलब यहाँ के बहुत कच्चे थे उस टाइम पे, तो सेलिंग पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, माल मवेशी मर गए, गाय बकरियाँ जो थी वो सारी ख़त्म हो गई, खेत बर्बाद, सब कुछ ख़त्म हो गया यहाँ का। आज आपको सम्मानित किया गया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील हो रहा है सर, 25 साल के बाद मतलब एटलीस्ट 25 साल के बाद मेरे को याद किया तो मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।